तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्रेडवी एप्लीकेशन में हम अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर कैसे चेंज करते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। सो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने क्रेडवी एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड वेट करेंगे, फैचिंग मेरी प्रोफाइल हो रही है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं प्रोफाइल को चेंज करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है, कभी कभार हम लोग प्रोफाइल ऐड करते समय, यानी कि अकाउंट बनाते समय, कुछ मिस्टेक, कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा अकाउंट नहीं बन पाता या फिर अकाउंट में मिसिंग हो जाती है और हमको लोन अमाउंट भी कम मिलता है। अब हम सोचते हैं कि हम अपना प्रोफाइल चेंज कर दें। दोस्तों, जब मैंने इसमें अकाउंट बनाया था तो मैंने अपनी अर्निंग 20,000 रुपये डाली थी, क्योंकि मैं 20,000 रुपये कमा रहा था। इस टाइम मेरी जो कमाई है वो कम से कम भाई करीबन 40 से 50,000 हो चुकी है। सो गाइस, मैं इस प्रोफाइल को चेंज करना चाहता हूँ ताकि मुझे लोन अमाउंट जो है ज़्यादा बड़ा मिल सके। तो कैसे चेंज होगा, मैं आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा विथ लाइव की, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर मैं अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, सॉरी अकाउंट पर नहीं, यहाँ पर मैं हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक करूँगा। तो हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कहीं पर भी आपको जो है अकाउंट चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि अपनी जो प्रोफाइल है वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रोफाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, तो वो तो वेरिफिकेशन मेरी हो चुकी है, ठीक है। मैं चेंज करना चाहता हूँ तो कहीं पर भी मुझे दोस्तों प्रोफाइल चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और दोस्तों, ख़ास तौर से मैं मोबाइल नंबर भी चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मोबाइल नंबर भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब ऐसे में दोस्तों हम क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो हॉटलाइन नंबर यानी कि हेल्पलाइन नंबर है, उस नंबर पर हम जब कॉल करते हैं तो अगर हमारे नंबर पर लोन एक्टिवेट होगी तो कॉल जल्दी लग जाती है, और लोन एक्टिवेट नहीं होती है तो गाइज कॉल लगना ही मुश्किल हो जाता है क्रेडवी एप्लीकेशन के कस्टमर केयर वालों को, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक लोन बाय कर लेनी है, ठीक है। जितने की आपको लोन दे रही है ना, वो लोन आप इसको इसमें बाय कर लें। लोन बाय करने के बाद दोस्तों आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिएगा, और कॉल करने के बाद दोस्तों आप उनसे बात करें कि मुझे प्रोफाइल चेंज कराना है, ठीक है, और दोस्तों मुझे मोबाइल नंबर भी चेंज कराना है। तो फिर दोस्तों होगा क्या, आपको कस्टमर केयर वाले बोलेंगे कि आप लोन को रिपेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आपको चेंज करा दिया जाएगा। सो गाइस, आपको क्या करना है, लोन को रिपेमेंट कर देना है। लोन को रिपेमेंट करने के बाद आपको जस्ट उसी दिन, जिस दिन आपका लोन पूरा रिपेमेंट हो रहा है ना, जैसे 29 तारीख सितंबर का मेरा लोन का टेन्योर डे है, मैं इस तारीख को दोस्तों इसको लोन रिपेमेंट करूँगा, तो उसी दिन रिपेमेंट करने के उसी दिन आपको कॉल करना है कस्टमर केयर को, तो लग जाती है, ठीक है। फिर कस्टमर केयर वाले दोस्तों आपको एक लिंक भेजेंगे। तो जैसे ही लिंक भेजेंगे दोस्तों, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना, तो चेंज प्रोफाइल का ऑप्शन वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर आप वहाँ पर मोबाइल नंबर एंड अपना प्रोफाइल सब कुछ चेंज करवा सकते हैं कस्टमर केयर के जरिए, या फिर दोस्तों आप इनकी कंपनी में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर एक फॉर्म भरेंगे और आपकी प्रोफाइल एंड आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशन के जरिए चेंज कर दें, तो इसमें कहीं पर भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही मोबाइल नंबर चेंज करने का, ना ही प्रोफाइल चेंज करने का। इनको ईमेल भी लिख सकते हैं दोस्तों, अगर ये लोग ईमेल का रिप्लाई देते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ईमेल भेज कर भी आप प्रोफाइल एंड मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं। और दोस्तों, मोबाइल नंबर चेंज करना या फिर प्रोफाइल चेंज करना इस एप्लीकेशन के अंदर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही बैंक ऐड को रिमूव करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट है और परेशानी है तो क्वेश्चन करें, कमेंट करें, रिप्लाई दूंगा, पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।